हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम शुभम जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। एयर थिंग चैंपियनशिप की एक गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा था। गेम है फोर्थ राउंड की, मैग्नस कार्लसन वर्सेस हिकारू नाकामुरा। यहाँ C4 के साथ कार्लसन ने शुरू किया। नाका ने यहाँ खेला नाइट F6, नाइट F3, देन हुआ E6, नाइट C3, D5, D4, Dxc4। गेम की शुरुआत हुई थी इंग्लिश ओपनिंग से, एंड हुआ क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड पर E4, देन हुआ B5। यहाँ ऑब्वियस है, सेंटर को कैप्चर कर लिया है वाइट ने। E5 नाइट पर अटैक, नाइट गया D5 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ ये पॉन आराम से मिल गया वाइट को। नाइट टेक्स B5, नाइट B6 फ्रॉम ब्लैक साइड, अपने पॉन पर डिफेंस कर लिया, दैट्स ओके। A3 यहाँ पर पहले वाइट ने किया, नाइट C6, देन बिशप आया E3 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ से ब्लैक के पास ऑप्शन है अपने नाइट को A5 स्क्वायर पर ले जाकर बहुत स्ट्रॉन्ग आउटपोस्ट देने की, लेकिन पहले खेला गया क्वीन D7, तो नाइट वापस लिया गया C3 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप B7, क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट A5, और नाइट कहाँ जाने वाला है, एज सिंपल एज दैट। रुक आया D1 स्क्वायर पर, क्या टारगेट हो सकता है अभी? डी पॉन आगे पुश होना मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। रुक B8 यहाँ इसीलिए शायद ब्लैक ने पहले किया, तो कार्लसन ने अपने बिशप को E2 स्क्वायर पर ले जाकर नाइट को, दैट्स ओके। बिशप आया E7 स्क्वायर पर, देन हुआ H4, बिशप C6, देन H5, बिशप A4, और फ्रेंड्स फाइनली कुछ एक टेक्टिकल भरा गेम प्ले आ चुका है। नाकामुरा ने इनिशिएट कर दिया है, मेटल एक्सचेंज होगा, नाइट X A4, क्वीन X A4, देन रुक C1। कनेक्शंस के लिए मैग्नस कार्लसन ने कहा कि आप ही करें, नाइट B3, और फिर यही डेंजरस अटैक है यहाँ इस रुक पर, तो रुक को हटाना गया पड़ा। रुक गया B1 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन A5 चेक। फ्रेंड्स, यहाँ चेक ना देकर आई थिंक ब्लैक के पास अब टाइम था कैसल करने का, लेकिन यहाँ ब्लैक ने एक चेक दी, तो किंग मूव हुआ F1 स्क्वायर पर, C5, देन हुआ H5, H पॉन फाइनली ऐसे स्क्वायर पर पहुंचा दिया है जो परेशान करेगा आने वाले समय में, देन G6, कोई जरूरत नहीं है पॉन एक्सचेंज करने की। Dxc5, बिशप टेक C5, बिशप टेक C5, क्वीन टेक C5, मेटल एक्सचेंज हुआ C5 स्क्वायर पर, इनफ। देन रुक आया H4 स्क्वायर पर, यहाँ C4 पॉन पर अटैक बनाने के लिए, तो अब नाकामुरा ने यहाँ कैसल कर लिया है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एडवांटेज यहाँ मिलेगा मैग्नस कार्लसन को। बिशप टेक C4 किया तो सही, लेकिन रुक अटैक गोज टू C8, और यही बिशप थोड़ी देर के लिए पिन हो चुका है, इस पर डिफेंस तो बन जाएगा, लेकिन अगर इस तरह से गेम आगे बढ़ती है तो प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। बिशप टेक्स B3, नाइट लिया, और अगर यहाँ फर्दर मेटल एक्सचेंज होता है सपोज क्वीन टेक C2 करके, देन बिशप टेक C2, रुक टेक C2, दैट्स ओके, गेम लगभग इक्वल रहती, लेकिन पहले यहाँ चेक दी ब्लैक ने, तो व्हाइट को भी मौका मिला अपनी क्वीन को E2 स्क्वायर पर ले जाकर उसी चेक को रोकने का। क्वीन टेक्स B3, बिशप गया, नाइट के बदले में यहाँ बिशप गया है। रुक आया B4 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना क्वीन A2, और यहाँ इस रुक पर अटैक, तो रुक पहुंच गया D1 स्क्वायर पर, देन हुआ A5, रुक पर दोबारा अटैक बना, रुक पहुंचा B5 स्क्वायर पर, देन हुआ A4, तो क्वीन E4। और अगर देखा जाए तो ब्लैक की इस क्वीन के बाहर जाने के लिए को मुझे कोई अच्छे स्क्वायर्स नजर नहीं आ रहे हैं, तो लेकिन क्वीन C4 चेक, कनेक्शंस फोर्सिंग कनेक्शंस आई मस्ट से। नाकामुरा ने यहाँ क्वीन टेक C4, नाइट टेक्स C4, रुक टेक्स B8, देन रुक टेक्स B8, और अगर मैं कहूँ कि कौन सा खिलाड़ी ज़्यादा बेटर पोजिशन में है, तो आई मस्ट से कि ब्लैक के साथ एक प्रॉब्लम है बैक रैंक चेकमेट की, उससे बचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। रुक आया D4 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक बना, इस नाइट पर डिफेंस करने के लिए रुक लगा C8 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स कार्लसन मैं कहूँगा यहाँ हल्का सा अपर हैंड तो है उनका। रुक D7, देन नाइट टेक्स B2, पॉन गया, नो इश्यूज, नाइट आया G5 स्क्वायर पर, सीधा F7 पॉन पर अटैक बना है, रुक F8 यहाँ ब्लैक को करना ही पड़ा, ब्लैक का रुक 8th रैंक में लगभग फिक्स हो चुका है। रुक D4, और यहाँ नाइट और उसके बाद पॉन दोनों पर अटैक बनने ही वाला है, तो पहले यहाँ नाकामुरा ने अपने रुक को लिया C8 स्क्वायर पर, रुक F4, और फिर दोबारा उसी F7 पॉन पर अटैक है, रुक C1 चेकिंग है A2 स्क्वायर पर, देन रुक C2 चेकिंग है E3 स्क्वायर पर, देन रुक C3 चेक, और अब किंग है D2 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना, रुक पहुंच गया C7 स्क्वायर पर, ताकि इस F7 पॉन का यहाँ डिफेंस हो सके। रुक B4, और फिर वही टेक्निक आ गई है, पॉन को लिया जाएगा ही जाएगा, और नाइट पर अटैक है तो नाइट बचा एक चेक के साथ, किंग गया E2 स्क्वायर पर, रुक गया C8 स्क्वायर पर, बैक रैंक चेकमेट से बचना बहुत मुश्किल हो रहा है। रुक टेक C4, फाइनली A4 पॉन यहाँ कार्लसन को मिल गया है, नाइट टेक C5, नो इश्यूज, रुक A7,
फिर दोबारा यहाँ प्रेशर बना है इस F7 स्क्वायर पर, क्योंकि एफ पॉन आगे पुश होने के बाद नाइट पर भी अटैक बनता है। वट अबाउट दिस रुक C2 चेक? आई थिंक अब कोई यूज नहीं है। नाइट G4 यहाँ पहले नाकामुरा ने किया, क्यों किया है? क्योंकि यहाँ अगर कार्लसन गलती करे रुक टेक्स F7 की तो गेम ड्रॉ हो जाएगी, क्योंकि नाइट टेक्स H6 यहाँ नाकामुरा कर पाएंगे। रुक टेक्स H7 होगा उसके बाद, लेकिन फिर भी नाइट F5 यहाँ ब्लैक के पास अपने चांसेस होंगे इस गेम में फाइट करने के, पर यहाँ नाइट टेक्स F7, इस H6 पॉन का डिफेंस करना भी जरूरी है ताकि बैक रैंक चेकमेट का प्रेशर बरकरार रहे। रुक आया B8 स्क्वायर पर, देन F3 नाइट पर अटैक, लेकिन उससे पहले एक चेक आई। किंग गया D3 स्क्वायर पर, देन नाइट F2 चेक। इस नाइट के जाने के लिए स्क्वायर्स अवेलेबल नहीं थे। अगर गेम को थोड़ा लंबा खींचना था या नाकामुरा को, तो अपने नाइट को सेक्रीफाइस करना ही पड़ता, लेकिन कोई नहीं। किंग गया D4 स्क्वायर पर, फर्दर कोई चेक आती है? आई थिंक रुक को B5 स्क्वायर पर लेकर जाए तो क्या होता है। खैर, यहाँ नाकामुरा ने एक चेक दी, अपने रुक को D2 स्क्वायर पर ले जाया। अगर किंग चला गया E3 स्क्वायर पर, नाइट और रुक दोनों पर अटैक है। रुक गया A2 स्क्वायर पर, और ये फ्रेंड्स सबसे बड़ा ब्लंडर था इस गेम में, क्योंकि मैग्नस कार्लसन की अगली थ्रेट क्या है? चेकमेट करने की। वो किस तरह से? यहाँ कार्लसन ने अपने नाइट को लिया पहले G5 स्क्वायर पर, और वही चेकमेटिंग या बैक रैंक चेकमेट की थ्रेट अभी भी अवेलेबल है। और क्या इसका कोई डिफेंस है? आई डोंट थिंक कोई भी डिफेंस है। नाकामुरा ने यहाँ एक चेक तो दी, नाइट D1 चेक, लेकिन यहाँ से किंग कहीं भी रख दिया जाए, आई मस्ट से F4 स्क्वायर, उसके बाद ब्लैक कोई चेक नहीं दे पाएगा और कोई भी तरीका नहीं होगा इस बैक रैंक चेकमेट को डिफेंड करने। इनफैक्ट अगर किंग भी मूव होता है तो उसके बाद नाइट SS स्क्वायर से चेक देगा, जो ब्लैक को परेशान करके रख देगा। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये काफ़ी सिंपल गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।